अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परबनी आज तक। जिस तरह से इंडिया में पूरी तरह से चाइना की हर चीज़ को बंद की जा रही है, चाइना के 59 ऐप्स जो मोबाइल में चलते थे वो पूरी तरह से कोलैप्स कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए। इसी के बारे में मालूमात दे रहे हैं मेरे सहयोगी आभा शिंदे औरंगाबाद से। आप ज़रा सुनिए मार्केट में किस तरह से हम पूरी तरह से चाइना के हर चीज़ को बायकॉट कर रहे हैं। यह है आभा शिंदे की रिपोर्ट, ज़रा देखिए आप और इस पर अमल करने की कोशिश करिए अगर आप इंडियन हैं, अपने देश से प्यार करते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं आभा शिंदे, आपसे बात कर रहा हूं और मुखातिब होना चाहता हूं, ख़ास तौर पर इस विषय पर जो पीछे हमने बात छेड़ी थी बायकॉट चाइना प्रोडक्ट के बारे में। चाइना की सामान का, चाइना के सब पूरी चीज़ों का हमने बहिष्कार करना है। बहुत सारे सवाल उठे थे, लोगों ने सवाल ऐसे भी किए कि गवर्नमेंट क्यों नहीं इसके ऊपर पाबंदी लगाती है, हमको क्यों वो इस्तेमाल करने से जो है तो रोकने के लिए कहती है, मना करती है। तो दोस्तों, इसके बारे में भी लास्ट एपिसोड में हमने पूरा विस्तार से बताया था। और अब जो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि 59 ऐप्स जो है मोबाइल के, उसको हमने बायकॉट करना है और उस जरिए से कितना पैसा चाइना में हमारे देश से जाता है, कितना पैसा चाइना लूटता है, ये हमने पुरजोर पूरे संख्या में, पूरे आंकड़ों में हमने आपको बताया था। और नतीजन ये हुआ कि हमारी सरकार ने पूरे 59 ऐप, चाइना के जो 59 ऐप है, उन ऐप पर पाबंदी लगा दी है। अब आप पूछेंगे कि अब आप तो कह रहे थे कि सरकार कोई सामान पर इधर पाबंदी नहीं लगा सकती, इंटरनेशनल एक्ट या यूं कहिए कि खुली अर्थव्यवस्था के तहत और जागतिक व्यापार संगठन के तहत ये नहीं कर सकते। बिल्कुल दुरुस्त। आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि कोई भी देश का सामान जो कि देश इस वैश्विक बाज़ार में और वैश्विक व्यापार संगठन में शामिल है, उनका कोई भी सामान फिजिकली किसी भी देश में बेचने पर कोई देश रोक नहीं लगा सकता। रही बात ऐप की, ये ऐप चाइना ने हमारे देश में आकर दुकान लगाकर दुकानों में से नहीं बेचना है, वो तो पूरा नेट मार्केटिंग है और इसीलिए उस पर पाबंदी लगाने का पूरा हक, पूरा हक हमारी सरकार को है। इस एक्शन से सिर्फ एक समझ में आ गया कि जो लोग सवाल पूछ रहे थे कि हमारी सरकार कुछ क्यों नहीं करती, तो इस कृति से, इस माध्यम से हमारे सरकार की मंशा भी जाहिर हुई है और सरकार की जो एक्शन है वो भी जाहिर हो गई है। तो दोस्तों, अब सरकार ने तो अपनी मंशा जाहिर कर दी और सरकार ने अपना कदम भी उठा लिया, अब बारी है आपकी और हमारी। तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस तो रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल की छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को शत प्रतिशत हमने अपने इस्तेमाल से बायकॉट करना है। फिर मैं एक बार कहीं वही कहूँगा कि ये एक मिशन है और इसको एक सोच लेकर हमने चलना है। चीनी सामान का बायकॉट करना है, इसका मतलब आज के बाद हमने कोई चीनी सामान बाज़ार से खरीद कर नहीं लाना है। जो सामान ऑलरेडी हम ला चुके हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि उस सामान को नुकसान पहुंचाने से चाइना को नुकसान नहीं पहुंचेगा, नुकसान हमको खुद को पहुंचेगा। तो वो चीज़ जो हमारे पास है उसको इस्तेमाल करना है, नई चीज़ हमने कोई ख़रीदना नहीं है और ना ही अब कोई हमारी सरकार के ऊपर उंगली उठाने की या उनकी मंशा पर संदेह लेने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि सरकार ने अपने कृति से ये सब दिखा दिया है कि सरकार क्या मंशा रखता है। उसी तरह से अलग अलग राज्यों में जो चाइना का इन्वेस्टमेंट आकर, चाइना का FDI इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो लोकल की कंपनियां उनके साथ मिलजुल कर व्यापार करना चाहती थी, उस पर भी गवर्नमेंट ने रोक लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने हाल ही में 2 ही दिन पहले बताया कि जो भी हाईवे निर्माण का काम हो रहा है वहाँ जो भी चाइना की कंपनी किसी कंपनी के साथ अगर एसोसिएट है तो वो टेंडर कैंसिल करवा दिया जाएगा और वो टेंडर रिकॉल होगा। किसी चाइना की कंपनी को अब यहाँ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी कोई कंपनी। तो अब सरकार ने अपना कदम उठाया, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। अब जिम्मेदारी निभाने का दौर या बारी आपकी और हमारी है। चलो आज से ही तय करते हैं कि किसी सूरत में, किसी हालत में कोई भी चाइना का सामान मैं बाज़ार से नहीं खरीदूंगा।
अगर हम ये सोच ले तो फिर मैं एक बार लास्ट वीडियो में जो बताया था वही बात दोहराना चाहूँगा कि जापान के ऊपर जब अमेरिका ने 75 साल पहले एटम बॉम्ब का हमला किया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, 75 साल के बाद भी चाइना आज भी जापान में सुई तक नहीं बेच पा रहा है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि जापान के लोगों ने तय कर लिया, ठान लिया कि हम अमेरिका की कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे। वहाँ की सरकार को कोई पाबंदी लगाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, ज़रूरत नहीं पड़ी। लोगों ने तय किया हम अमेरिका की कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे। आज 75 साल हो गए, आज भी कोई भी जापानी शख्स, जापानी आदमी या जापानी नागरिक कोई भी अमेरिका की चीज़ नहीं खरीदता। और अमेरिका एक नए पैसे का भी व्यापार जापान में 75 साल के बावजूद भी नहीं कर पा रहा है। वही हमने दिखाना है, आपने और हमने वही दिखाना है, वही जज्बा, वही राष्ट्रप्रेम, वही राष्ट्रभक्ति हमने दिखाना है और चाइना को मुँह की खाने पर मजबूर करना है। मैं फिर कहूँगा कि चाइना ने दी महामारी, अब चाइना को ठोकने की आपकी और हमारी बारी। धन्यवाद। मयूस सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर आप मराठी में हमारा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो 24/7 माझा महाराष्ट्र को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मालूम होना है औरंगाबाद की तो औरंगाबाद को JNC न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर हिंदी में आप हमारा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो परभनी आज तक को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपकी राय हमें दीजिए। हमारा न्यूज़ चैनल आप ही की सेवा के लिए है, आप ही को मालूम देने के लिए है, आप ही तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। परभनी आज तक, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। आपकी आवाज़ परभनी आज तक। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, सैयद अकील।